हवाई पट्टी रोड पर खतरनाक तरीके से आम रोड पर खड़े भारी वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के मार्गदर्शन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के प्रयास लगातार जारी है। हवाई पट्टी के पास स्थित अम्बेडकर कॉलोनी वासियों के द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी, जिसके बाद आज यातायात पुलिस द्वारा हवाई पट्टी के सामने रोड पर खड़े ट्रक और डंपरों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस द्वारा हवाई पट्टी के सामने आम रोड पर खतरनाक तरीके से खड़े 14 ट्रक और डंपर चालकों के विरुद्ध 16,000 रुपए की चालानी कार्रवाई समझाइश दी गई कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित रेत मंडी में ही वाहन खड़ा करें और भविष्य में हवाई पट्टी के सामने वाहन खड़ा ना करें। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में थीम रोड पर स्थित सभी बैंक प्रबंधकों को पार्किंग व्यवस्था और पार्किंग के लिए गार्ड रखने के संबंध में सूचना पत्र जारी किए गए थे, लेकिन बैंक संचालकों द्वारा पार्किंग के संबंध में कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों द्वारा वाहनों को आम रोड पर अव्यवस्था खड़ा कर दिया जाता है। यातायात पुलिस द्वारा नगरपालिका शिवपुरी के साथ संयुक्त कार्रवाई कर थीम रोड पर स्थित बैंकों के बाहर अस्त व्यस्त खड़े 28 वाहनों के विरुद्ध 13,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। आज यातायात पुलिस के द्वारा भारी डंपरों पर कार्रवाई की गई है, किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और कितने डंपरों पर कार्रवाई की गई है? ये देखिए, विगत कई दिनों से ये शिकायतें हवाई पट्टी रोड पर प्राप्त हो रही थी। अम्बेडकर नगर कॉलोनी है, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार ये शिकायती आवेदन पत्र थाना यातायात को दिया गया था कि हवाई पट्टी रोड पर रेत और ईंट की जो गाड़ियाँ हैं वो अव्यवस्थित रूप से आम रोड पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को एवं आम नागरिकों को वहाँ से आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में कई बार इन वाहन मालिकों को समझाइश दी गई थी कि आप लोग अपने वाहन आम रोड पर ना लगाएं, नगर पालिका द्वारा रेत मंडी ईंट मंडी के लिए जो आपको निर्धारित स्थान दिया गया है आप अपने वाहन वहीं पर खड़ा करें और वहीं से अपना व्यापार संचालित करें। क्योंकि समझाइश के बाद भी कई लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था एवं अपने वाहनों को आम रोड पर ही खड़ा कर रहे थे, तो इसलिए आज यातायात की टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक कार्रवाई की है, जिसमें हम लोगों ने 16 डंपर या बड़े ट्रक जो आम रोड पर खड़े होकर यातायात को बाधित कर रहे थे उनको जब्त करके उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करके जुर्माना लगाया है। वहीं ये देखा गया है कि शहर के व्यस्तम चौराहों पर स्थित बैंकों में यातायात को अवरुद्ध किया जा रहा है, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है या क्या गाइडलाइन रखी गई है उनके? बिल्कुल, जो शहर में जो व्यस्तम मार्ग थीम रोड पर अधिकतम हमारे वित्तीय संस्थान संचालित हैं, यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में सभी बैंक संस्थानों को नोटिस जारी करके पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था। तो उक्त नोटिस के पालन में बैंक कर्मचारी बैंक मैनेजरों द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, तो आज दिनांक को यातायात की टीम द्वारा सभी वित्तीय संस्थानों बैंकों के बाहर भी ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो आम रोड पर खड़े हुए हैं और यातायात को बाधित कर रहे हैं। ऐसे 28 वाहन चालकों के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है और 13,000 रुपये समन जुर्माना लगाया है।